नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला। लंबे वक्त से ठग सुकेश चंद्रशेखर से कनेक्शन की वजह से अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही खबरों में बनी हुई हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा जैकलिन से इसको लेकर हाल ही में अलग अलग मौकों पर पूछताछ भी कर चुकी है। वहीं इसके बाद अब नोरा फतेही भी निशाने पर है। रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि टीम उन चार एक्ट्रेसेस से भी पूछताछ कर सकती है जिन्होंने तिहाड़ जेल में सुकेश चंद्रशेखर से मुलाकात की थी। इन चार एक्ट्रेसेस के नाम निकिता तांबोली, चाहत खन्ना, सोफिया सिंह और आरुषा पाटिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुकेश की सहयोगी पिंकी रानी ने निकिता तांबोली, चाहत खन्ना, सोफिया सिंह और आरुषा पाटिल को अलग अलग नामों से सुकेश से मिलवाया था। हालांकि मुलाकात के बाद एक्ट्रेसेस को महंगे गिफ्ट्स और पैसे भी मिले थे। ये मुलाकात तिहाड़ जेल में हुई थी। आरुषा ने मुलाकात की बात को कबूल भी किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये मुलाकात तिहाड़ में नहीं हुई थी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पिंकी ने सुकेश को साउथ इंडियन प्रोड्यूसर बताया था। वहीं रिपोर्ट्स में कहा गया है कि निकिता तांबोली ने एक नहीं बल्कि दो बार सुकेश से तिहाड़ जेल में बने उसके कार्यालय में मुलाकात की थी। रिपोर्ट्स में ईडी की चार्जशीट का हवाला देते हुए बताया गया कि 2018 में तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 से अंदर जाकर सुकेश संग निकिता की मुलाकात हुई थी। तांबोली ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि पिंकी यानी कि एंजल के कहने पर उन्होंने मुलाकात की थी और पिंकी ने कहा था कि किसी घोटाले की वजह से वो जेल के अंदर है और अगस्त 2018 तक जमानत मिल जाएगी। तांबोली ने यह भी कहा कि उस वक्त गाड़ी की जांच नहीं हुई थी, वहीं कुछ आईडी भी नहीं मांगी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाहत खन्ना ने ईडी को बताया था कि पिंकी ने सुकेश को साउथ इंडियन चैनल के मालिक शेखर रेड्डी के नाम से मिलवाया था। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मई 2018 में शेखर रेड्डी से मुलाकात के बदले एक्ट्रेस को 2 लाख रुपए कैश, नीले रंग की महंगी वर्सेजे घड़ी मिली थी। वही पिंकी ने चाहत को अपना नाम आफरीन खान बताया था। एक्ट्रेस सोफिया सिंह का भी यही कहना है। एक्ट्रेस सोफिया सिंह का भी नाम उन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार है जिनकी सुकेश से मुलाकात हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोफिया ने बताया था कि पिंकी ने एक फिल्म के सिलसिले में सुकेश से मिलने को कहा था और दो बार सोफिया सुकेश से तिहाड़ जेल में भी मिली थी। ऐसे में पहली मुलाकात के बाद उन्हें 2 लाख रुपए और दूसरी बार 1.5 लाख रुपए और एक LV बैग दिया गया था। इसके अलावा आरुषा का कहना रहा कि वो सुकेश से कभी मिली नहीं, लेकिन व्हाट्सएप पर बात की जिसके लिए उन्हें 5.5 लाख रुपए मिले थे, जिसमें से 1 लाख रुपए उन्होंने पिंकी को दे दिए थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषयों पर वीडियोस हैं और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारे वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।